नहीं देखिए, ये जो है ना छिलके उतारने का समय नहीं है, ये राष्ट्रीय क्राइसिस है, सबको इसमें मिलकर चलना चाहिए। और राहुल गांधी जी के पास अगर कोई अपने सुझाव हैं तो वो दें, हम उसको मानेंगे, लेकिन ये एक दूसरे की टांग खींचने का समय नहीं है। सहयोग अभी भी जरूरत है लोगों नहीं, लोगों के सहयोग के बिना तो ये कामयाबी नहीं हो सकता, ये लोगों के लिए है और लोगों को ही इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये कामयाब होगा। सर, अंबाला में एक पेशेंट जो है पॉजिटिव है पंजाब से, सर किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि आगे ये ना हो, कहीं अंबाला में कई जगह पे ऐसी खबरें आ रही है कि वो। नहीं, ये पंजाब का पेशेंट है, वो अंबाला सिटी अस्पताल में वहाँ इलाज कराने के लिए आ गया था, तो उसका टेस्ट कराए गए तो वो पॉजिटिव आया है। तो जहाँ जहाँ पर वो रहा है वो सारी जगह क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिस चीज़ के घर रहा है उन सारों को किसी क्वारंटाइन होम में लेके जा रहे हैं। और पंजाब सरकार को हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका पेशेंट है, उसके घर में जो कार्रवाई करनी है, जो क्वारंटाइन करना है और जिनके टेस्ट लेने हैं, वो पंजाब सरकार करेगी। कितने पॉजिटिव केसेस हरियाणा में हो चुके हैं? 19 पेशेंट थे कल, और अंबाला का अगर जोड़ लो तो 20 हो गए, और 20 में से 6 नेगेटिव हो गए थे, तो कुल 14 हैं। नहीं, उसका आम लोग सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहे थे, तो बहुत रश हो रहा था, तो आम लोगों को हमने मना करा है कि वहाँ से खाली रेहड़ी वालों को मिलेगी और रेहड़ी वाले गलियों में जाके बेचेंगे ताकि भीड़ ना हो और अपना अपना सबको सब्जी भी मिल जाए। और उसका मंडी बोर्ड ने सब्जियों के रेट भी तय कर दिए ताकि वो ज़्यादा मुनाफाखोरी ना करें। लेकिन सब्जी नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, वो रिटेल में रेहड़ी वालों को दे सकते हैं, लोगों को नहीं दे सकते। मैंने सब लोगों से प्रार्थना की है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो प्लान मत करें, हमारे मित्र हैं वो यहीं पर रुक जाएं, हम उनकी सारी सुविधाओं का व्यवस्था करेंगे जो उनको सुविधाएं चाहिए, क्योंकि उनके प्लान करने से जो नरेंद्र मोदी जी का मेन मकसद था लॉकडाउन का, उसको कहीं ना कहीं शिकस्त मिल रही है। और ये जो इतने जो मजदूर हैं या जो लोग प्लान कर रहे हैं, इसके लिए मिल मालिक भी दोषी हैं। मिल मालिक क्या 21 दिन के लिए इनको बिठा के रोटी नहीं खिला सकते थे? और अगर खुद नहीं खिला सकते थे, भूखे नंगे थे, तो सरकार को बताते, हमें बताते, हम रोटी खिलाते और ये रुक जाते 21 दिन। तो इसके लिए मिल मालिक भी दोषी हैं कि जिन्होंने इनको इनकी छुट्टी की वहां से, तो उसके बारे में भी सोचेंगे कुछ।